ओम शांति। आज की तारीख है 28/3/23। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर है, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी भी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं, वहाँ ये अकाले मौत का धंधा नहीं होता है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत बजा है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, तन मन धन सब बाप के हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। नंबर 2, इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल। इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान सतगुरु शिव पिता का आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब आप अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा सदा न्यारे और निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।